हेलो दोस्तों, डिलीशियस भोजन में स्वागत है आपका। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम की सब्जी। ये मशरूम मैंने 100 ग्राम मशरूम लिया है। इसे हम अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे पानी से। इस तरह से मशरूम मेरा ज़्यादा गंदा नहीं है। अगर मशरूम बहुत गंदे हो तो आप गेहूं का जो आटा होता है जिसका हम रोटी बनाते हैं उसे इसके ऊपर डालकर अच्छे से या इस तरह से मल लें तो अच्छे से साफ हो जाएगा। मशरूम को मैंने 3-4 बार धो लिया है अच्छे से। इसे अब हम निकाल लेंगे। इसका डंठल खराब नहीं है इसीलिए मैं डंठल सहित लूँगी। इस तरह से ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है एकदम। मशरूम मैंने काट लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे 2 टमाटर। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। लहसुन 10-12 कली है और ये अदरक, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। 5 हरी मिर्च मैंने लिया है जिसमें 2 हम काट लेंगे और 3 का पेस्ट बना लेंगे। प्याज को हम बारीक बारीक काटेंगे और ये मटर है, इसको भी हम मशरूम के साथ बनाएंगे। तो हम सारी सामग्री का काट कर पेस्ट बनाकर आपको दिखाएंगे। सारी सामग्री को हमने तैयार कर लिया है। टमाटर का पेस्ट बना लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, प्याज भी काट लिया है, धनिया जो हमें बाद में डालना है वो भी मैंने कट कर लिया है, मिर्च भी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। मैं कुकर में बनाने वाली हूँ। कुकर मैंने रख दिया है। हम डालेंगे सरसों का तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। सबसे पहले डालेंगे जीरा 1 टीस्पून। इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ते। जीरा हमारा चटकने लग जाएगा। तब इसमें डालेंगे हम ये कटे हुए प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है। दोस्तों, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आपको जो तेल पसंद हो आप उसमें बनाएं। अच्छे से चला लेंगे। अगर आप कढ़ाई में बनाएं तो मशरूम को तेल में फ्राई कर लें। प्याज को हमें चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल ब्राउन कलर आने तक हम भूनेंगे। प्याज हमारा कलर चेंज कर चुका है लेकिन थोड़ा सा और हम इसे डार्क करेंगे, थोड़ा और ब्राउन कलर करेंगे। इसी तरह चलाते हुए प्याज को हम पकाएंगे। प्याज हमारा कलर चेंज कर चुका है और इसी समय हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने बनाया है, 1 चम्मच भर के लिया है मैंने। अच्छे से चलाकर ये भी भून लेंगे हम अच्छे से ताकि इसका कच्चापन चला जाए। अदरक और लहसुन का कच्चापन चला गया है, हमने भून लिया है अच्छे से। अब इसी समय हम क्या डालेंगे, ये कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर बढ़िया देगा, और हम हल्दी भी डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी मैंने लिया है, ये भी डाल देंगे और अच्छे से हम चला लेंगे। मसाले हमारे हल्दी और
लाल मिर्च मैंने डाला था वो भून चुका है। अब इसी समय मैंने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, ये भी हम डाल देंगे। और अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। टमाटर हमारा भुन रहा है, इसी समय हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, ताकि टमाटर अपना पानी छोड़े और अच्छे से पक जाए। दो मिनट हम टमाटर को भी भून लेते हैं। टमाटर तेल छोड़ चुका है, आप देख सकते हैं अच्छे से। इसी समय हम डालेंगे इसमें 2-1.5 चम्मच मैं दही डालूंगी। आज मेरे बच्चों की डिमांड है कि मैं दही वाला मशरूम बनाऊं, और दही को सपोर्ट देने के लिए मैं डालूंगी इसमें, ये धनिया पाउडर है और एक किचन किंग मसाला है, 1-1 चम्मच मैंने इसी चम्मच से लिया है, वो भी डालूंगी। और फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने, इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे ताकि दही हमारे फटने ना पाए। मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए, और तेल भी छोड़ चुका है, दही भी बहुत अच्छे से घुल के पक गई है मसालों में। अब हम इसी समय, ये फ्रेश मटर है, ये डाल देंगे, थोड़ा सा भून लेंगे मसालों के समय। क्योंकि फ्रेश मटर है तो बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, थोड़ा सा भूनेंगे बस। मटर हमारा भून गया है, अब हम इसी समय डाल देते हैं अपना मशरूम। जब प्रेशर कुकर में बनाना हो तो मशरूम को आप बड़ा बड़ा ही काटें, ज़्यादा छोटा ना काटें, क्योंकि ये पकने के बाद छोटा हो जाता है पक के। मशरूम को भी हम अच्छे से चलाकर मसालों के साथ 2 से 5 मिनट तक भून लेंगे। मशरूम भी हमारा भून गया है, ज़्यादा नहीं, मैंने 2 मिनट ही भूना है, आप 2 से 5 मिनट तक आराम से भून सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी समय जो हरी मिर्च मैंने काट कर चीरा लगा के रखा था 2-3, वो डाल देंगे। धनिया डाल देंगे। और ये थोड़ा सा अदरक है जो मैंने लंबे लंबे काट लिया है, वो भी डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा। और 2 सीटी लगाएंगे हम ढक्कन लगाकर। थोड़ा सा मैं इसमें बटर ऐड कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, बस 1/2 चम्मच है। और अच्छे से चला देंगे, सारी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हम 2 मिसल लगाएंगे। 2 सीटी लगाने के बाद हम प्रेशर कुकर को ठंडा करके आपको दिखाएंगे। प्रेशर कुकर का 2 सीटी हो चुका है, 2 मिसल आ चुकी है और प्रेशर कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम खोल कर देख लेते हैं। देखिए
कितनी बढ़िया सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है, ये देखिए दोस्तों। अब मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों बहुत अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है मशरूम और मटर की। आप एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सब्जी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।